बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 22 आप लोगों के सामने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में भी हम इंटरपोलेशन के सेगमेंट को ही प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा हम इस सेगमेंट के हवाले से बातचीत कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 17 में हमने इस इंटरपोलेशन के सेगमेंट को स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 17 में हमने इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात की थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स की बात की थी। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 19 था उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट सिंबॉलिक रिलेशंस से और कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स से, जैसा कि शिफ्ट ऑपरेटर है, एवरेज ऑपरेटर है, इनकी हमने बात की थी। और साथ साथ शिफ्ट और एवरेज ऑपरेटर के जो फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के साथ रिलेशंस हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 20 और 21 के अंदर हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला की बात करेंगे। जो लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला है वो बेसिकली न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की जनरलाइज फॉर्म है। वो कैसे जनरलाइज फॉर्म है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला डिवेल्प्ड अर्लियर कैन बी यूज्ड ओनली वेन द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आर इक्वली स्पेस्ड। यहाँ पर वो बता रहा है कि जो न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला है, मतलब न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला एंड न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये जो दोनों फार्मूलाज हमने लेक्चर नंबर 20 और 21 में डिस्कस किए हैं, इन दोनों फार्मूलाज को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास जो डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उसमें जो एक्स है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इक्वली स्पेस्ड हो। इक्वली स्पेस्ड का क्या मतलब है, इसको हम यहाँ पर लिख के समझ लेते हैं। अगर आपके पास वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन के लिए हमारे पास जो डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है जिसमें जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इक्वी स्पेस होना चाहिए। मतलब अगर आपने सबसे पहले एक्स की वैल्यू एक्स नॉट यूज़ की है तो एक्स नॉट से जो अगली एक्स की वैल्यू है वो एक्स नॉट प्लस एच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है एक्स की वो एक्स नॉट प्लस 2h होनी चाहिए, देन एक्स नॉट प्लस 3h होनी चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो एक्स की सारी वैल्यूज़ हैं ये इक्वली स्पेस्ड हैं। मतलब एक्स की एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जो हमने स्टेप साइज ऐड करना है वही स्टेप साइज आपने एक्स की दूसरी वैल्यू से एक्स की तीसरी वैल्यू में जाते हुए ऐड करना है, ठीक है। और ये जो एच है बेसिकली ये वो स्टेप साइज है, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज के अंदर ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है वो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। लेकिन लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला के अंदर ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये इक्वल स्पेस भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको देख लेते हैं। इफ द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट गिवन एट इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स देन वी हैव द बेसिक फार्मूला एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ लैग्रांज व्हिच विल बी डिराइव्ड नाउ। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस फंक्शन के लिए जो डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है उसमें जो x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर नहीं पड़े, मतलब पहली x की वैल्यू अगर 1 है तो दूसरी लेट्स सपोज 3 है, तीसरी 7 है, चौथी जो है ना वो 10 है एंड सो ऑन, ये x की सारी वैल्यूज है, तो ये इक्वली स्पेस नहीं है। देखें x की वैल्यू पहली 1 है, उसके बाद 1 में 2 ऐड किया तो 3 बना, लेकिन 3 में हमने 2 ऐड नहीं किया बल्कि 3 में 4 ऐड किया है। तो यहाँ पर 2 ऐड किया था और यहाँ पर 4 ऐड किया है, तो मतलब ये जो स्टेप साइज है ये डिफरेंट है, सही है। तो इस वजह से इस तरह के केसेस के लिए हमने फिर लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करना है और उस फार्मूला को अभी हम जो है ना वो डिवेल्प करेंगे। सबसे पहले लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन विच टेक्स द वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर हम लिख के कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर जो आपने एक्स यूज़ करने हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके पास एक्स नॉट है, एक्स वन है, x2 है, x3 है, अप टू सो ऑन
एक्स एन है, ठीक है। तो ये एन प्लस वन वैल्यूज हैं एक्स की, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज मिलती हैं, वाई नॉट है, वाई वन है, वाई टू है, वाई थ्री है, अप टू सो ऑन वाई एन है। तो आपके पास ये जो एक्स की वैल्यूज हैं, ये एन प्लस वन वैल्यूज ऑफ एक्स हैं। ये पुट करने से फंक्शन के अंदर एन प्लस वन वैल्यूज ऑफ वाई आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये सारा कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सिंस देयर आर एन प्लस वन वैल्यूज ऑफ वाई करस्पॉन्डिंग टू एन प्लस वन वैल्यूज ऑफ एक्स, वी कैन रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाय अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन। क्योंकि हमारे पास एन प्लस वन वैल्यूज एक्स की जो है ना, वो पुट करने से फंक्शन के अंदर एन प्लस वन वैल्यूज ऑफ वाई मिल रही हैं, तो आपके पास ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको हम एक पॉलीनोमियल के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी डिग्री एन है, सही है। सपोज वी राइट दिस पॉलीनोमियल इन द फॉर्म, आपको पॉलीनोमियल की डेफिनेशन आती है, आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एन एक्स टू रेज पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू रेज पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन अप टू ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट। ये बेसिकली पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, वेयर एन जो है ना आपके पास वो इंटीजर है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, सही है। ओके, अब यहाँ पे जो लिखा है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास सपोज वी राइट दिस पॉलीनोमियल इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स टू रेज पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन अप टू ए एन। उसने थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर दिया है। मैंने जो लिखा था ना उसमें ए एन को एक्स एन का कोफिशियंट बोला था, ठीक है। ये जो एक्स एन आपके पास टर्म है इसके कोफिशियंट मैंने ए एन लिया था, एक्स टू रेज पावर एन माइनस वन जो है इसका कोफिशियंट ए एन माइनस वन लिया था। तो ये आपके पास जो ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन है, ये सारे कॉन्स्टेंट हैं, ये सारे कोफिशियंट्स हैं। इनकी जो है ना वो आपके पास जो नोटेशन है वो डिफरेंट भी हो सकती है। आर इन द फॉर्म, इस फंक्शन को आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें एक ही बात है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। वो कह रहे हैं सपोज वी राइट दिस पॉलीनोमियल इन द फॉर्म, आप इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखें पॉलीनोमियल फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखें, बात एक ही है। यहाँ पर आपने इस को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हमारे लिए ये वाली जो नोटेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को यूज़ करके हमने लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला को डिवेलप करना है। ओके, ए नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन अप टू एक्स माइनस एक्स एन। यहाँ पे ए नॉट था तो हमने एक्स माइनस एक्स वन से स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ए वन जब आपके पास कोफिशेंट है तो हमने एक्स वन यहाँ पे नहीं लिखा, बल्कि एक्स माइनस एक्स नॉट उसके बाद एक्स माइनस एक्स टू पे चले गए हैं, एक्स माइनस एक्स वन बीच में नहीं लिखा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन ये सारे आपने जो है ना ये कोफिशंस यहाँ पे यूज़ किए हैं। इन सारों को अगर आप मल्टीप्लाई करके अरेंज करें तो यही वाली फॉर्म बनती है, ठीक है, आपने इससे परेशान नहीं होना। ओके, अब इस नोटेशन के अंदर ये जो ए नॉट है ए वन है ए टू है ए एन है, आपने इसको बड़े ध्यान से चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ द कोफिशंस ए के, मतलब ए वन ए टू ए नॉट ये सारे जो कोफिशंस हैं, आर सो चूजन एज टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बाय द एन प्लस वन पेयर्स ऑफ एक्स वन वाई वन एक्स आई वाई आई, ठीक है। आपके पास ये जो सारे कोफिशियंट्स हैं इसको ए के उसने बोल दिया, वो कह रहे हैं कि इनको आपने बड़े ध्यान से चूज करना है ताकि आपके पास ये जो जितने भी पेयर्स हैं एक्स आई वाई आई ये सारे सेटिस्फाई हो सके। ओके, अच्छा, अब इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्स नॉट की। जब इस फंक्शन को हम एक्स नॉट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस पूरे फंक्शन को जब आप एक्स नॉट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एक्स नॉट आ जाएगा, इधर भी एक्स नॉट आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स नॉट यहाँ पर जब एक्स नॉट आएगा तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट ये जीरो हो जाएगा, तो मतलब ए वन वाली सारी टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करें तो ये जीरो हो जाएगा, तो ए टू वाली भी खत्म, ए थ्री वाली भी खत्म, ए फोर वाली भी खत्म एंड सो ऑन सारी खत्म हो जाएंगी, सिर्फ ये पहली टर्म बचेगी। और यहाँ से आपने ए नॉट की वैल्यू निकाल लेनी है, आप देख सकते हैं उसने ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट विच इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस यहाँ पे x2 आता है, उसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी स्टूडेंट, ये x2 आता है फिर ये x3 आता है एंड सो ऑन, सही है। तो यहाँ से a नॉट को उसने एक साइड पे रखा और बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड पे मूव किया, तो हमारे पास यहाँ से a नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से a नॉट की वैल्यू उसने फाइंड कर ली। यही काम आपने करना है कि जब आपने ऊपर वाली इक्वेशन को
एक्स वन के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ ए वन वाली टर्म बचेगी, बाकी सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ से ए वन की वैल्यू आप निकाल लें, फिर ए टू ए थ्री, उसने इसको जनरलाइज कर दिया, तो ए आई हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, सही है। क्या इसको आप ए एन कह दें, एक ही बात है, सही है। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट इन सारे कोफिशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सारे कोफिशंस की वैल्यू जब आप ऊपर पुट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जब आप पुट करेंगे इन सारे कोफिशंस की वैल्यू इस जगह पे, तो आपके पास एक फार्मूला बनेगा, और वही फार्मूला बेसिकली लैग्रांज इंटरपोलेशन का फार्मूला है। अब हम ज़रा देख लेते हैं इस फार्मूला को। हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला बना है, आपके पास ये वो फार्मूला है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने ये वाली जो सारी वैल्यू है ये ए नाट की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो सारी वैल्यू है ये ए वन की वैल्यू है, ए टू ए थ्री अप टू सो वन, और ये आपके पास जो आखिरी वैल्यू है ये वाली, ये बेसिकली ए आई की वैल्यू है या ए एन की वैल्यू है, ठीक है। द लैग्रांज फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन, ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले में ये जो एक्स है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट, ये इक्वल स्पेस भी हो सकता है और इक्वल स्पेस नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बोला था कि ये जो है ना, ये न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये फार्मूला आपके जो है ना वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला की एक अल्टरनेटिव वे भी है लिखने का, उसको हम जहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, दिस फार्मूला कैन बी यूज वेदर द वैल्यूज एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन आर इक्वली स्पेस्ड आर नॉट, ठीक है। अल्टरनेटिवली दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन द कम्पैक्ट फॉर्म एज, अब इसी फार्मूला को आप इस नोटेशन के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो आप देख लें, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, वैसे ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। वाई नाट के साथ जो भी लिखा था उसको मैंने ए नाट बोला था ना, तो उसने यहाँ पे एल नाट ऑफ एक्स बोल दिया अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ दिस फार्मूला लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। उसके बाद वाई वन का जो कोफिशियंट है उसने इसको एल वन बोल दिया, और आपके पास वाई आई का जो कोफिशियंट है उसने इसको एल आई बोल दिया, सही है। अब आप उसने इस सारे को सम फॉर्म में लिख दिया, तो आपके पास ये वाली इसकी फॉर्म बन जाएगी, सही है। यहाँ पर आपके पास ये जो एल के है, ये के की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एल नॉट बन जाएगा, के की वैल्यू वन पुट करेंगे तो एल वन बन जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद ये जो वाई के है, इसने इसको एफ ऑफ एक्स के बोल दिया, क्योंकि हमें पता है ना कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो जो वाई के हो जाएगा वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, तो उसने इस चीज़ को ऐसे लिख लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एल आई आपके पास वाई आई का कोफिशियंट है, उसने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया जिस तरह से ऊपर हमने जो है ना वो ए एन को डिफाइन किया था या ए आई को डिफाइन किया था। ये आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर उसने बता दिया हमें, वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट आपके पास ये जो कोफिशियंट्स हैं वाई नाट वाई वन वाई आई के जो कोफिशियंट्स हैं, ये वन कब होंगे और जीरो कब होंगे उसने हमें बता दिया। एल आई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू वन होगा एंड एल आई ऑफ एक्स जे इज इक्वल टू जीरो होगा अगर आई और जे डिफरेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आई थिंक तो ये मिसिंग कर दिया उसने, जब आई और जे बराबर होंगे तो उस केस में ये वन के इक्वल आएगा, और आई और जे जब डिफरेंट होंगे तो उस केस में ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कोफिशियंट जो है ना, ये वाई नाट वाई वन वाई टू अप टू वाई आई, ये सारे कोफिशियंट कब वन होंगे और कब जीरो होंगे उसने हमें यहाँ पे कंडीशन बता दी है कि जब आपके पास आई और जे बराबर होंगे तो उस केस में ये वन हो जाएंगे, अदरवाइज ये जीरो हो जाएंगे। तो उसने यहाँ पे एक रोटेशन दी है जो कि आपके जो है ना वो एम सी क्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। दस इंट्रोड्यूसिंग प्रो नेकेट डेल्टा नोटेशन आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एम सी क्यूज में पूछी जा सकती है। एल आई एफ एक्स जे इज इक्वल टू, ये वो नोटेशन है स्टूडेंट, ये आपके पास वन के बराबर होगा अगर आई और जे बराबर होंगे, और ये जीरो के बराबर होगा अगर आई और जे डिफरेंट होंगे। अच्छा, इससे आगे भी जो है ना वो लैग्रांज इंटरपोलेशन की इस नोटेशन को लेकर भी वो चला है, ठीक है। तो ये आपके काम की नहीं है स्टूडेंट, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं आगे जो है ना वो एग्जाम्पल की जानब। आगे एग्जाम्पल जो है हमारे पास स्टूडेंट, इन एग्जाम्पल्स के अंदर हमने जो ऊपर हमने फार्मूला डिस्कस किया था उसी को हमने यूज़ करना है। ओके, एग्जाम्पल नंबर वन है हमारे पास, फाइंड लैग्रांज, इसको मैं थोड़ा सा पुल डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको इस एग्जाम्पल का जो डाटा है वो आपको नज़र आ जाए। फाइंड लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलीनोमियल फिटिंग द पॉइंट्स y ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, मतलब x की वैल्यू जब 1 है तो y माइनस थ्री है, x की वैल्यू जब 3 है तो y 0 है, x की वैल्यू जब 4 है तो y 30 है, x की वैल्यू जब 6 है तो y 132 है, एंड सो ऑन, एंड फाइंड y ऑफ 5। देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है ना, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें आप x की वैल्यू पुट करते जाएं तो y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी।
लेकिन जब आपके पास कोई डेटा गिवन है और उस डेटा के करस्पोंडिंग आपने फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है, तो फिर आपने इंटरपोलेशन करनी है, ठीक है। इंटरपोलेशन में हमने पहले न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूलाज की बात की थी, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें एक्स जो है ना वो इक्वल स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अब हम लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला की बात कर रहे हैं कि इसके जरिए हम किस तरह से डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स को यूज़ करते हुए करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल या फंक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो ये डेटा गिवन है ये वाला, इसको हमने टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट। एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई -3 है, एक्स की वैल्यू जब 3 है तो वाई 0 है, एक्स की वैल्यू जब 4 है तो वाई 30 है, एक्स की वैल्यू जब 6 है तो वाई 132 है। तो आपके पास ये एक्स नॉट है स्टूडेंट, ये एक्स 1 है, ये एक्स 2 है, ये एक्स 3 है, सिमिलरली ये वाई नॉट है, ये वाई 1 है, ये वाई 2 है और ये वाई 3 है। वो जो आपके पास ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा है लैग्रांज इंटरपोलेशन का, उसमें आपने ये देखना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास वाई 3 तक हम जा रहे हैं ना, तो उसमें आपने सिर्फ पहली चार टर्म्स को यूज़ करना है, वाई नॉट, वाई 1, वाई 2 और वाई 3 वाले, ठीक है। पहली चार टर्म्स को आपने यूज़ करना है, वाई 3 तक आपने जाना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने ये वाली सारी वैल्यूज पुट करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए आपके पास ये वो फार्मूला है स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वाई नॉट की वैल्यू है -3 है, वाई 1 की वैल्यू 0 है, वाई 2 की वैल्यू 30 है और वाई 3 की वैल्यू 132 है। उसके बाद ये वाई नॉट, वाई 1, वाई 2, वाई 3 के जो कोफिशियंट्स हैं उसमें उसने एक्स नॉट, एक्स 1, एक्स 2 ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट की हुई हैं। ये ऊपर फार्मूला आप देख लीजिएगा, मैंने आपको सिखा दिया है ऊपर, ठीक है। उस फार्मूला के अंदर आपने जस्ट ये टेबल से वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास यहाँ से एक पॉलिनोमियल आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि चार पॉइंट्स से, तो इस वजह से हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री 3 होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, विच इज़ रिक्वायर्ड लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने वाई, आपके पास वाई ऑफ एक्स है ना, तो हमने वाई ऑफ 5 फाइंड करना है। इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर आपने एक्स की जगह पे 5 पुट करना है, इधर भी, यहाँ पर भी, इधर भी, इधर भी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 75 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत आसान सा ये है, जैसे आपने फार्मूला को अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर भी ऐसा ही है कुछ, आप देख सकते हैं, गिवन द फॉलोइंग डेटा एवेल्युएट एफ ऑफ 3 यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। ओके, एक्स नॉट की वैल्यू 1 है, 1 यूज़ करने से फंक्शन के अंदर वाई नॉट हमें 1 मिल रहा है, एक्स 1 की वैल्यू 2 है तो वाई नॉट, वाई 1 आपको 4 मिल रहा है, एक्स 2 की वैल्यू 5 है तो वाई 2 आपको 10 मिल रहा है। अब आपने एफ ऑफ 3 फाइंड करना है, ठीक है, मतलब 2 और 5 के दरमियान है ना यहाँ पर 3, तो वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यही चीज़ बेसिकली इंटरपोलेशन होती है। आपके पास यहाँ पर अच्छी बात यह है कि उसने पहले फार्मूला लिखा है, उसके बाद अगले स्टेप में जाके वैल्यू पुट की हुई है। तो यहाँ पर देखें वाई नॉट, वाई 1, वाई 2, तो इस वजह से फार्मूले के अंदर सिर्फ आपने पहली तीन टर्म्स को यूज़ करना है। देखिए आपके पास ये एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये वाई नॉट के बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स 1 जो है ये वाई 1 के बराबर होता है और एफ ऑफ एक्स 2 जो है ना ये वाई 2 के बराबर है। ये तीनों वैल्यूज हमें पता है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है, वाई 1 की वैल्यू 4 है, वाई 2 की वैल्यू 10 है। उसके बाद आप देख लें एक्स माइनस एक्स 1, एक्स माइनस एक्स 2, ये एक्स 1 है, ये एक्स 2 है, उसके बाद x नॉट, x2, ये x नॉट, ये x2, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे टेबल में गिवन है, आपने पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास सबसे पहले एक पॉलिनोमियल बनेगा और उसने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पर उसने ये जो x है ना जो हमने आखिर में कैलकुलेट करना है ये वाला, x की वैल्यू 3 जो है ना उसने पहले ही यूज़ कर ली है। तो यहाँ पर ये जो x है इसकी जगह उसने 3 पुट कर ली है, तो लेफ्ट साइड पर भी x की जगह 3 पुट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6.5 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग हो गई स्टूडेंट। तो भी आगे मूव करते हैं, आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें भी आपने लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करना है और इंटरपोलेशन करनी है। फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द डेटा यूजिंग लैग्रांज फार्मूला। आपके पास ये डेटा टेबल फॉर्म में गिवन है स्टूडेंट, आपने इसको यूज़ करना है। ओके, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इसको भी। ये आपके पास एक्स नॉट है, ये आपके पास एक्स 1 है, ये आपके पास एक्स 2 है, सिमिलरली ये वाई नॉट है, ये वाई 1 है और ये वाई 2 है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि y नॉट, y 1, y 2 तीन टर्म्स है ना, तो हमने पहली तीन टर्म्स ही फार्मूले से लेनी है। ये y नॉट है, ये y 1 है और ये y 2 है। ओके स्टूडेंट, अच्छा उसके बाद ये फार्मूला है x माइनस एक्स 1, x माइनस एक्स 2। अब यहाँ पर f ऑफ x नॉट है ना, तो मतलब x नॉट यूज हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर x नॉट नहीं आएगा बल्कि नीचे पहले पहले x नॉट आएगा, x नॉट माइनस x 1, x नॉट माइनस x 2, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पर x1 यूज हुआ है फंक्शन के अंदर, तो ऊपर x1 नहीं आएगा बल्कि नीचे पहले पहली पोजीशन पे x1 आएगा। फार्मूला को आप अपने लिहाज से भी याद कर सकते हैं। बाय द वे आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, x0, x1, x2 की, सिमिलरली y0, y1, y2 की। पुट करने के बाद आखिर में आपके पास सिंप्लीफिकेशन होगी, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आखिर में आपके पास जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री 2 होगी, क्योंकि तीन पॉइंट्स हैं तो डिग्री जो पॉलिनोमियल की होगी वो 2 होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 2 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमारा जो MPH603 का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसे यहाँ से ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चनिंग करें, इंशाल्लाह आपको इंस्टेंटली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।